तो आप सभी को मैं बता दूं कि आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप सोच सकते हैं जितना बाहर से हम व्यस्त हैं उतना ही हमारा बॉडी अंदर से व्यस्त है। अगर हम ये कहें कि हमारे अंदर बॉडी के अंदर पूरा फैक्ट्री है तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, है ना। पूरा यहाँ पर बहुत सारे सिस्टम हैं, जैसे कि रेस्पायरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्व सिस्टम, और इतने सारे सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर फंक्शनिंग कर रहे हैं, पूरा वर्क हो रहा है, वहाँ पे फंक्शन हो रहा है ना। तो आज हम देखेंगे कि हमारी इस फैक्ट्री में जो हम कच्चा माल डालते हैं, जो रॉ मटेरियल हम डालते हैं, वो अंदर कैसे जाता है और कैसे किन प्रक्रियाओं से होकर वो फंक्शन करता है, और उसका सार क्या निकलता है, उसमें से ऐसा कौन सा तत्व निकलता है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। हम हमेशा बात करते हैं न्यूट्रिशन की, तो ये न्यूट्रिशन हमको तो फूड से मिलता है, तो इसका वो सिस्टम कौन सा है जो इसको न्यूट्रिशन में कन्वर्ट करता है। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही शानदार है, ज़बरदस्त है, और मैं बात करने वाला हूँ आज हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ के बारे में, है ना। हमारा जो फूड होता है उसका डाइजेशन कैसे होता है, उसका फंक्शन कैसा होता है, कहाँ से कहाँ तक ये जाता है, इसके कौन से बेल्ट से ये पहुँचता है, और कहाँ पर इसके न्यूट्रिशन मिलते हैं, तो मैं स्क्रीन शेयर करूँगा तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो आज हम बात करें कि जो भी हमारा फूड होता है उसका डाइजेशन कैसे होता है। तो स्टार्टिंग जो डाइजेशन होता है ना, वो हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे ही हम जो भी फूड लेते हैं उसको तोड़ने फोड़ने का काम हमारा जो माउथ है वो करता है, बक्कल कैविटी में इसको तोड़ा जाता है, सरल भागों में इसको तोड़ा जाता है, और इसमें बहुत सारे जैसे लार होते हैं, लार में एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, एमाइलेज, लाइपेज, है ना। तो ये इसको सरल करते हैं, जो मतलब कॉम्प्लिकेटेड फूड रहता है उसको ये तोड़ने फोड़ने का काम करते हैं और उसमें मिक्स करते हैं। तो डाइजेशन का कारण यहीं से शुरू हो जाता है, उसके बाद ये आगे धकेल दिया जाता है ओएसोफेगस से होता हुआ ये हमारे स्टमक में आ जाता है, ठीक है। स्टमक में आने के बाद यहाँ पर भी एक ये अम्लीय माध्यम में यहाँ पे कन्वर्ट होता है, यहाँ पर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होती है जो इसको पचाने का काम करती है ना, और वहाँ पे उसको और सरल करने का काम करता है, और उसमें कुछ भी विषाक्त तत्व होते हैं उसको भी वो नष्ट करते हैं। तो इस तरह से जो फूड है वो स्टमक में आता है, और इसके बाद आता है सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना, छोटी आंत में, और यहाँ से जो है फूड का जो भी डाइजेस्ट फ्लूड बनता है, पाचक रस बनता है, उसको पूरा फैक्ट्री में जाने के बाद वहाँ से कुछ लिक्विड निकलता है, उस लिक्विड को बोलते हैं डाइजेस्ट फ्लूड। और ये इसका अवशोषण छोटी आंत की दीवारें क्या करती हैं, उसको अवशोषित करती है और ब्लड तक पहुंचा देती है। तो इसी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स, ये सारा चीज़ हमारा कहाँ पे चला जाता है, ब्लड में चला जाता है। और उसके बाद इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हुआ मेटाबॉलिक रिएक्शन होने के बाद हमको ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, हमारे पूरे बॉडी को एनर्जी मिलता है जिसका जो काम है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है ना, प्रोटीन है, इस तरह से सभी से इनका जो भी फंक्शन है वो उनके प्रॉपर तरीके से हमारे बॉडी को मिलने लगता है। इसके बाद जो फूड है यहाँ पर एक और है, मान लो कोई टॉक्सिक मटेरियल इसमें आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना, तो हमारे जो लीवर होता है लीवर से पित्त निकलती है, पित्त ग्लैंड होता है, पित्त ग्लैंड से एक ट्यूब आती है और ये छोटी आंत में खुलती है। तो यहाँ पर ये जो विषाक्त पदार्थ होती है उसको भी ये नष्ट कर दिया जाता है इसके द्वारा। और दूसरा, जो भी हम फैट वाला ऑयली चीज़ खाते हैं, जितने भी तेल मसाला वाला चीज़, तो उसको भी ये यहाँ पर उसका पाचन करने का काम करती है, उसको रिमूव करती है, जो भी विषाक्त चीज़ें होती हैं, पॉइजनस मटेरियल, उसको वो रिमूव कर देती है, ठीक है। इसके बाद आगे जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में जाती है। बड़ी आंत में जाने के बाद वहाँ पर भी भोजन को जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ डाइजेस्ट फ्लूड पे जो भी रहता है उसको भी अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषित करने के बाद फिर जो वेस्ट मटेरियल बचता है वो रेक्टम में जाके स्टोर हुआ रहता है। स्टोर होने के बाद फिर
एनस के द्वारा इसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस एक डाइजेस्टिव सिस्टम का है, केवल खाने वाला सिस्टम का है ना। सांस लेने का अलग सिस्टम है, उसको दूसरे दिन हम बात करेंगे, और ब्लड सर्कुलेशन का अलग सिस्टम है। तो ऐसे हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम हैं, वो चलते रहते हैं। तो पाचन की जो प्रक्रिया होती है ना, वो सीधा भोजन नली, पेट, छोटी आंत और बड़ी आंत, इस यहीं से सीमित रहता है रेक्टम तक, ठीक है। इसके बाद और बहुत सारे जो ग्लैंड्स होते हैं वो काम करते हैं, जैसे लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है पाचन की। इसके बाद पैनक्रियाज होता है, अग्नाशय है ना, जहाँ से इंसुलिन निकलता है, जो हमारे फूड में, डाइजेस्ट फूड, न्यूट्रिशन में, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। और बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, है ना, इसे आप नोट कर सकते हैं, जो हमारे डाइजेशन को कंट्रोल करते हैं, जैसे गैस्ट्रिन, सैक्रेटिन और कोलेस्टोकिन। ये जो हार्मोन्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसको नियंत्रित करती है, इस पूरे प्रक्रिया को। इसके बाद देख सकते हैं एंजाइम्स कौन कौन से हैं। जैसे मैं बता रहा था कि हमारे जो सलीवा ग्लैंड होती है, सलीवा होती है लार, उसमें एमिलेज, रेजिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लिपेज, ये सारे जो हैं एंजाइम्स होते हैं, जो भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, है ना, पूरे डाइजेशन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। और अब देखते हैं डाइजेशन से रिलेटेड, अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है ना, तो कौन कौन सा रोग हो सकता है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। एसिडिटी हो सकता है, अगर आपका डाइजेशन नहीं हो रहा है, एसिडिटी हो रहा है, खट्टा डकार आ रहा है ना, तो ये रोग हो सकता है। अम्लपित्त हो सकता है, कब्ज, डायरिया, अल्सर तक हो सकता है, अल्सर पेट में हो सकता है, गैस तो आजकल आम हो गया है ना, और कोलेस्ट्रॉल, ये सारे रोग के कारण अल्सर, अक्सर आहार और जीवन शैली में भी तनाव होते हैं। जब आपका डाइजेशन ही सही नहीं होगा, फैक्ट्री में अच्छे से काम नहीं होगा, सर्विसिंग नहीं होगा, तो आप हमेशा चिड़चिड़ापन महसूस करेंगे, आप हमेशा तनाव में रहेंगे, है ना, आपका ध्यान हमेशा इसमें रहेगा कि अरे भाई मेरा आज डाइजेशन सही नहीं हुआ है, पेट में दर्द हो रहा है, छाती में जलन हो रही है, तो आपका ध्यान बार बार उधर ही केंद्रित होगा, है ना। कब्ज है तो बार बार आप टॉयलेट जाएंगे, तो डाइजेशन होना बहुत जरूरी है। क्यों?